Brazil is going from bad to worse. Biggest fall since 1900. The situation is so bad that President Trump is considering banning Brazilians from traveling to the United States. Virus is killing many children. Is the highest single day death toll. What's up my people? So guys, आज की वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट कंटेंट लेकर आया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे कि जो चाइना है, चाइना ने कैसे रोक लगा दिया, ब्राज़ील की इकोनॉमी को होल्ड पे कर दिया। तकरीबन हर देश को इफ़ेक्ट पड़ा है ग्लोबली कोरोना वायरस के कारण, पर ब्राज़ील को कैसे इफ़ेक्ट पड़ा है, जैसे प्रेडिक्शन हुई थी, प्रेडिक्शन के हिसाब से थोड़े मतलब डेकेड्स में ब्राज़ील एक सुपर पावर बनने वाला था, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत बूम कर रही थी। अभी भी ठीक है, बुरी नहीं है अभी भी इकॉनमी, मतलब उस हिसाब से नहीं चल रही जैसे जिसके हिसाब से प्रेडिक्शन हुई थी, क्योंकि कोरोना आ गया बीच में, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसा ही चलता रहता तो मतलब इनका पासपोर्ट और भी स्ट्रांग हो जाता। अभी तो 170 कंट्रीज ट्रैवल फ्री हैं, तो और भी स्ट्रांग हो जाता इनका पासपोर्ट। तो यही मेरा मकसद है इस वीडियो में कि कैसे ब्राज़ील को चाइना ने कोरोना वायरस देखकर एक फ्यूचर ग्लोबल सुपर पावर होने से रोक दिया, होल्ड पे कर दिया थोड़े साल के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, मैं सबको बताता हूँ, कमेंट्स में भी बताता हूँ। अगर किसी को भी मुझे डायरेक्ट मैसेज करना है, मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं इंस्टाग्राम अगेन यहाँ पर मैंशन कर दूँगा, मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि कॉमेंट्स में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमेंट्स में कितने बड़े लंबे लंबे कॉमेंट्स हो जाएंगे। तो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एक और चीज़, लोग मुझे पूछते हैं हम कैसे वर्क परमिट ले सकते हैं ब्राज़ील का। तो मैं आपको एक क्लियर कट चीज़ बताना चाहूँगा, ब्राज़ील के वर्क वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ब्राज़ील में आकर वर्क करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है, आप टूरिस्ट वीज़ा पर आइए, टूरिस्ट वीज़ा पर आकर यहाँ पर परमानेंट हो जाइए, पीआर ले लीजिए। इजी है यहाँ इनकी पीआर, अभी तक तो इजी है, पता नहीं फ्यूचर में थोड़ी मुश्किल कर दें। तो पीआर लेकर आप काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर वर्क वीज़ा लेना इतना मुश्किल है ना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े रीजन देने पड़ते हैं आप क्यों किसी और कंट्री से बंदे को ला कर हमारे इंडिया हमारे ब्राज़ील में काम करवाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे अगर तो बहुत ज़्यादा कोई स्किल्ड वर्कर होता है, जैसे कोई स्पेशल सर्जन हो गया या आईटी स्पेशलिस्ट, बहुत ऐसा आईटी स्पेशलिस्ट हो गया जो नहीं है ब्राज़ील में, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वो हायर करते हैं। अगर नॉर्मल सी कोई जॉब है, जैसे अगर कार ड्राइवर या कारपेंटर या कोई ऐसे थोड़े बहुत टीचर, तो कहते वो आप ब्राज़ील में अवेलेबल हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है वर्क वीज़ा लेना ब्राज़ील का, तो इससे बेस्ट है आप टूरिस्ट वीज़ा पर आइए, टूरिस्ट वीज़ा पर आकर पीआर ले लीजिए, उसके बाद जो चाहे काम कर सकते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर अगर आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब करने के लिए आपको पुर्तगीज़ आनी बहुत ज़रूरी है, पोर्चुगीज़ लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पर वो बेसिक नीड है। तो जो लोग आकर यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं मुझसे पूछते हैं मैंने जॉब करनी है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जॉब यहाँ मिल जाएगी आपको, पर आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ में कम्युनिकेट पुर्तगीज़ लैंग्वेज में ही करते हैं, इंग्लिश में नहीं करते। तो ये थी एक चीज़ बतानी थी आपको, मैंने बता दिया आज की वीडियो में। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का मेन कंटेंट। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हिस्ट्री में, 1534 में जब पुर्तगीज़ लोगों ने कॉलोनाइज करना शुरू किया ब्राज़ील को, तो वो अपने साथ कैथोलिज्म लेकर आए, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे पुर्तगीज़ लोग ब्राज़ील में आ गए और जो इंग्लिश ब्रिटिश थे वो यूएस में गए, ठीक है। क्योंकि पुर्तगीज़ लोगों ने ब्राज़ील को कॉलोनाइज करना शुरू किया, इसकी वजह से यहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते, मतलब इंग्लिश का कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ यहाँ पर 1500 से लेकर अभी तक, तो इसीलिए इस कंट्री में पुर्तगीज़ लैंग्वेज ही चलती है। तो ये एक बड़ा रीज़न है यहाँ पर लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो उसके बाद जो पुर्तगीज़ पीपल थे उन्होंने अफ्रीका से स्लेव्स यहाँ पर इंपोर्ट करना शुरू किया और यहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही अच्छी है एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ने लगे, क्योंकि ये एक्सपोर्ट करने लगे एग्रीकल्चर स्टफ़, जैसे खेती बाड़ी की चीज़ें होती हैं ना,
वो एक्सपोर्ट होने लगा तो इनकी इकोनॉमी ऊपर जाने लगी। और एग्रीकल्चर के अलावा गाइज यहाँ पर माइनिंग होने लगी, ठीक है, माइनिंग के अलावा यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस हुआ ब्राज़ील में, तो एक्सपोर्ट करने लगा फूड भी ऑल अराउंड ग्लोब, तो काफ़ी इनकी इकॉनमी बूस्ट होने लगी। 1960 में इनकी जो इकॉनमी थी काफ़ी ऊपर चली गई, और 1960 से लेकर 2010 तक इनकी इकॉनमी इतनी ऊपर चली गई, 900% से भी 900% प्लस चली गई, ऊपर चली गई उससे भी ज़्यादा, जहां इनकी इकॉनमी जो जीडीपी थी 286 मिलियन यूएस डॉलर थी, वो 3 ट्रिलियन डॉलर पर चली गई इतने टाइम में। मतलब बहुत ही ज़्यादा बूस्ट किया इनकी इकॉनमी ने, और इसी ग्रोथ के चलते इन्होंने क्या किया, 1990 में इन्होंने अपनी नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया जो है रियल्स, जो अब चलती है रियाइस, है ना। तो जो उससे पहले करेंसी चल रही थी 1990 से पहले वो इस तरह की करेंसी थी, और अब जो करेंसी है वो रियाइस हो चुकी है, मतलब अच्छी करेंसी हो गई है। तो पहले मतलब काफ़ी करेंसी अच्छी नहीं थी, जैसे बड़े बड़े नोट थे इनके, तो इन्होंने बंद करके 1990 में, क्योंकि इनकी इकॉनमी बूस्ट की, उन्होंने नई करेंसी बना दी, तो जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और जो ब्राज़ीलियन रियल है ये काफ़ी अप्रिशिएट हुआ पूरे ग्लोबली, तो उन्हें और भी उनकी इकॉनमी बूम हुई, उसको उनको लगातार फ़ायदा मिलता रहा। और जब 2020 में पहुंचे तो कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस ने उनकी करेंसी को इतना इफ़ेक्ट किया कि अब जो उनकी ग्रोथ ऊपर जा रही थी ना, तो वो अब ग्रोथ मतलब डाउन हो चुकी है थोड़ी सी, और अब थोड़ा स्टेबल सीधी जा रही है, मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ा है इनकी इकोनॉमी को। और आपको पता ही होगा जब कोरोना आया था तो ब्राज़ील में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उसका, तो काफ़ी इनकी गवर्नमेंट पे भी, इनकी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, पर फिर भी इन्होंने सर्वाइव कर लिया। अब भी थोड़े सालों तक भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये कंट्री मतलब और भी ग्रो करेगी तेज़ी से दोबारा से, और ये सुपर पावर बनेगी, और उसका फ़ायदा जो लोग यहाँ पर पासपोर्ट लेंगे इनका, उनको फ़ायदा हो सकता है, और ज़्यादा इनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो प्रडिक्शन के हिसाब से चल रहा था ब्राज़ील चौथे नंबर पर आ जाएगा सबसे बड़ी इकॉनमी में, जो कि पहले पर होगा चाइना, दूसरे पर होगा अमेरिका, और तीसरे पर होगा इंडिया, चौथे पर होगा ब्राज़ील इकॉनमी के हिसाब से। तो देखिए चाइना ने कितनी गेम अपनी घुमाई, प्रडिक्शन के हिसाब से पहले नंबर पर आ रहा था, और इन्होंने ये चाहते हैं कोई हमसे कम्पीट कर ही ना पाए, तो इन्होंने खुद ही मेरे हिसाब से तो कोरोना वायरस बनाया है। आपको क्या लगता है, आपके क्या सजेशन है, आप बता सकते हो, ठीक है। तो एक रीज़न और मैंने फाइंड आउट किया अपनी रिसर्च के हिसाब से कि क्यों यूरोप को वीज़ा फ्री है ब्राज़ील को। जब वर्ल्ड वार हो रही थी तो सारे जो यूरोपियन कंट्री थी, लोग थे वो डरे हुए थे, क्योंकि वार चल रही थी, तो उन्होंने वो डर के लोग ब्राज़ील में आ गए थे, क्योंकि ब्राज़ील उस टाइम न्यूट्रल कंट्री था, वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी भी नहीं किया किसी वार में ब्राज़ील ने, तो ब्राज़ील एक न्यूट्रल कंट्री होने के कारण काफ़ी यूरोपियन ब्राज़ील में आ गए रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो उसके कारण वो वहाँ पर ही बस गए, यहाँ पर ब्राज़ील में ही बस गए वो यूरोपियंस। और इसीलिए अगर कोई यूरोपियंस अपने अपने दूसरे फैमिली मेम्बर से मिलना चाहता है या वापस अपने देश जाना चाहता है, तो इन्हें इसलिए पूरी छूट है यूरोप में आने जाने के लिए, क्योंकि कहाँ काफ़ी यूरोपियंस लोग यहाँ पर आकर बस गए। और ब्राज़ील में एक कंपनी है पेट्रोब्रास, ऑयलिंग कंपनी है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है ना, वर्ल्ड वाइड मतलब स्प्रेडेड है ये कंपनी, मतलब ब्राज़ील में तो इसका नाम पेट्रोब्रास है, पर ये सप्लाई करता है ऑयल 25 कंट्री में, जो कि इंडिया भी इंक्लूड होता है। इस कंपनी से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और एक वाले कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आयरन निकल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो भी ब्राज़ील में ही एग्जिस्ट करती है। और सबसे बड़ी जो कंपनी है एक JBS कंपनी है ब्राज़ील में, मीट प्रोसेसिंग कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीट प्रोसेसिंग कंपनी है। ये JBS जो कंपनी है ये 110 कंट्रीज में सप्लाई करती है फूड। ये थी कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई ब्राज़ील के बारे में, ब्राज़ील कैसे ग्रो कर रहा है, और अभी थोड़ा सा स्टॉप लग चुका है, थोड़ा सा ब्रेक लग चुका है, मतलब गाड़ी चल तो रही है पर उस पर थोड़ा ब्रेक लग चुका है एक्सीलेटर पर,
चाइना ने वैसे तो इफेक्ट पूरी पूरे ग्लोबली इफेक्ट किया है ये कोरोना वायरस के कारण, और जो मैंने अपनी रिसर्च के हिसाब से सर्च किया वो मैंने आपको बताया ब्राज़ील के बारे में, क्योंकि ब्राज़ील के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि ब्राज़ील को कैसे इफेक्ट पड़ा। इंडिया के बारे में बताने वाले तो इंडिया में बहुत होंगे, तो ब्राज़ील के बारे में बताने वाले बहुत कम है, इसलिए मैंने सोचा आपको एक्सप्लेन करता, ठीक है। और यही नहीं, चाइना का मैंने जब सर्च कर रहा था मैंने और भी चीज़ें फाइंड की, चाइना कैसे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की तरकीब लड़ा रहा है वो मैं किसी और वीडियो में मेंशन कर दूंगा कैसे कर रहा है वो। तो अफ्रीका को लोन देकर अफ्रीका भी काबू करना चाहता है, और उसके बाद एक श्रीलंका में पोर्ट था जो चाइना ने बनाया था, चाइना से लोन लिया था श्रीलंका ने, और श्रीलंका वो पूरा नहीं कर पाया, तो फिर क्या हुआ उनको चाइना ने उस पोर्ट को 100 साल के लिए लीज पर ले लिया। मतलब ये ऐसे करते हैं कर्जा चढ़ाकर फिर बाद में उनकी चीज़ को लीज पर ले लेते हैं, और वो जो पोर्ट है ना उस पर अब मिलिट्री है चाइना की, मतलब इन केस कभी इंडिया से वार होती है ना तो वो सीधा सप्लाई करेंगे अपनी मिलिट्री इंडियन ओशन के थ्रू से, श्रीलंका से थ्रू से इंडिया में घुस जाएंगे। मतलब ऐसी तरकीबें लड़ा रहा है ना चाइना, पूरी दुनिया पे काबू करना चाहता है, पता नहीं क्या बनेगा। तो वो मैं इनकी डिटेल में क्या इनकी प्लानिंग चल रही है वो एक हो अगर आप चाहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में बस ख़त्म करते हैं, तो ये थी डिटेल थोड़ी सी भी कैसे ब्राज़ील को इफेक्ट पड़ा, और मेरे हिसाब से ब्राज़ील रिकवर जल्दी कर रहा है और आने वाले टाइम में ये और ग्रो करेगा और इसका पासपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, थोड़ी सी हटकर बनाई मैंने वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो कह देना कमेंट्स में, बता देना अच्छी नहीं लगी भाई वीडियो, ठीक है, गुस्सा मत करना, गाली मत देना, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गाइज।